बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता हों या साउथ के हों या फिर हॉलीवुड के, सफल होने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उनके अभिनय में मौलिकता होना बहुत जरूरी है। दर्शक उन्हें अभिनेताओं को याद रखते हैं जिनका एक खास अंदाज होता है, सबसे अलग, सबसे जुदा। फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर के बेहद सफल एक ऐसे ही अभिनेता हैं जिनका नाम है राकेश बेदी, जो कि अपने मौलिक अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। हेलो जर्मन भाई, सलीम बोल। अरे यार, कल मेरी बीवी ने फिर मुझे पीटा और कहा कि जो कर्जा दे रखा है माफ करना यार, क्या हाल बना रखा है तूने। ये बता कि भाई मेरा माल रेडी है। अरे कमाल है अंकल, मेरी सूरत तो लोमड़ी की सूरत की तरह शुभ है, आप आंखें तो खोलो। अरे इतना माल कमाते हो, सबके छाती पे लाद के लेके जाओगे? हाँ चलो बोलो बोलो, कितना हिसाब हुआ? ये रिक्शा बेच डाल और जो माल आएगा ना उसे कर्जा उतार दे, लफड़ा खत्म। अरे बाबा, पूरी गाड़ी को तो MKA कर दिया यार तुमने, मार के अंधी कर दी यार, लंगली लुली की तरह धुआं निकलता है। हुस्न लाल, क्या कमाल का माल। नमस्कार सर, मैं खबरी लाल बोल रहा हूँ। आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। मेरी माँ मेरे पैदा होने के पहले ही मर गई थी, मेरे बाप मुझे माफ। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। और आज के इस खास वीडियो में हम आपसे इन्हीं चुलबुले एक्टर राकेश बेदी की जानकारी साझा करने वाले हैं। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। उनके पिता मदन गोपाल बेदी इंडियन एयरलाइंस में बतौर एरोनॉटिकल इंजीनियर कार्यरत थे। स्कूल के दौरान ही राकेश बेदी का अभिनय की तरफ झुकाव होने लगा था। वे स्कूल में होने वाली हर कल्चरल एक्टिविटी में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ही थे, साथ ही उन्होंने दिल्ली की एक नाटक कंपनी भी ज्वाइन कर ली थी। राकेश के पिता चाहते थे कि वो भी उन्हीं की तरह एक इंजीनियर बने। उनका सपना था कि राकेश IIT में पढ़ाई करे और माइनिंग इंजीनियर बने। हालांकि उन्होंने कभी इसके लिए राकेश पर दबाव नहीं डाला। राकेश भी अपने पिता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इंजीनियरिंग की तैयारी की और दिल्ली के IIT का फॉर्म भर दिया। कुछ ही दिनों में एंट्रेंस एग्जाम का दिन भी आ गया। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के दिन राकेश ने कुछ ऐसा किया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। वह ये कि उनका एंट्रेंस एग्जाम जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे खत्म हो जाने वाला था, लेकिन जैसे ही राकेश के हाथों में प्रश्न पत्र आया, उन्हें समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस प्रश्न पत्र में उन्हें एक सवाल के जवाब के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या था, उन्होंने उस एक सवाल को हल किया और टेस्ट शुरू होने के 3 मिनट बाद ही अपनी आंसर शीट जमा कर दी। जब एग्जामिनर ने राकेश के ऐसा करने की वजह पूछी तो राकेश ने बेझिझक पूरे आत्मविश्वास से कहा कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ, मुझे वापस अपने नाटकों की दुनिया में ही जाना पड़ेगा। राकेश ने सोच लिया था कि उन्हें नाटकों में ही काम करना है और जल्दी ही राकेश ने अपने ही जैसे कुछ दूसरे नौजवान लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा थिएटर ग्रुप बना लिया। उस दौरान का एक किस्सा राकेश जी अक्सर अपने इंटरव्यू में बताते हैं जो बेहद दिलचस्प है। वह ये कि एक बार राकेश रात के वक्त अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के किसी एरिया में अपने नाटक शोज के पोस्टर्स चिपका रहे थे, तभी अचानक पुलिस आ गई और उन्होंने राकेश और उनके साथियों को पकड़ लिया। पुलिस को लगा कि वो शायद किसी लोकल राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और बगैर परमिशन के अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं। राकेश ने पुलिस को समझाया कि वे लोग नाटक के कलाकार हैं और अपने नाटक का पोस्टर लगा रहे हैं। पुलिस को भी बात तब समझ में आई और उन सबको छोड़ दिया गया। राकेश ने नाटकों में सक्रिय होने के बावजूद पढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वे दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज में BCOM की पढ़ाई के साथ कॉलेज के नाटकों और दूसरी सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। इधर राकेश के पिता को राकेश के करियर को लेकर चिंता होने लगी थी, क्योंकि राकेश अब जवान हो रहे थे। खैर, राकेश ने अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला तो कर ही लिया था, लिहाजा उन्होंने सोच लिया कि नाटकों के साथ साथ उन्हें एक्टिंग को ही प्रोफेशन बनाने के लिए फिल्मों में जाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि वे पहले FTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में दाखिला लेंगे, फिर फिल्मों में किस्मत आजमाएंगे। जल्द ही FTI में राकेश को दाखिला मिल गया, जहां उनके साथ ओम पुरी, सुरेश ओबराय, सुधीर पांडे, डेविड धवन, प्रकाश झा, विधु विनोद चोपड़ा, सईद मिर्जा, सतीश शाह और कुंदन शाह आदि भी थे जो भविष्य में बॉलीवुड के सफल एक्टर और डायरेक्टर बने। दोस्तों, राकेश बताते हैं कि FTI में आने से पहले उन्हें लगता था कि वे सब कुछ बड़े आराम से सीख लेंगे, क्योंकि नाटकों में तो उन्होंने खूब काम किया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको समझ में आने लगा कि अभी तो उन्हें एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती। खैर, FTI से पढ़ाई खत्म करने के बाद राकेश फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए। दोस्तों, राकेश को अपने बारे में एक बात अच्छे से पता थी कि उनकी पर्सनालिटी हीरो के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि वे कॉमेडी ही करेंगे। सबसे बड़ी बात कि वे कॉमेडी करने में खुद को बहुत सहज महसूस करते थे। फिल्मों में राकेश की शुरुआत वर्ष 1979 में रिलीज फिल्म हमारे तुम्हारे से हुई। इस फिल्म में संजीव कुमार और राखी मुख्य भूमिकाओं में थी। उसी वर्ष राकेश की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था एहसास।
इस फिल्म में शमी कपूर, शशि कपूर और अमजद खान जैसे ढेरों बड़े अभिनेताओं ने काम किया था। हालांकि राकेश बेदी को पहले फिल्म एहसासी ऑफर हुई थी, लेकिन हमारे तुम्हारे पहले रिलीज हो गई और राकेश की पहली फिल्म बन गई। राकेश बेदी के करियर की तीसरी फिल्म थी वर्ष 1980 में रिलीज बुलंदी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे जो प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और राकेश उनके स्टूडेंट थे जो अपने प्रोफेसर की सोहबत में आने के बाद अपने पिता के काले कारनामों के खिलाफ बगावत कर देता है। इस किरदार को राकेश ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि यह किरदार उनके द्वारा निभाए गए सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक बन गया। इसके बाद आई राकेश के करियर की सबसे खास फिल्म चश्मे बद्दोर। वर्ष 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म में फारूक शेख, रवि बासवानी और दीप्ति नवल जैसे कलाकार थे। इस सुपरहिट फिल्म में दीप्ति नवल और राकेश बेदी पर फिल्माया गया एक गीत बहुत ही हिट हुआ। इस फिल्म से राकेश की बॉलीवुड में एक अलग पहचान बन गई। राकेश की कॉमिक टाइमिंग और अंदाज का हर कोई कायल हो गया। दोस्तों, राकेश बेदी की इस फिल्म से एक बड़ा ही मजेदार किस्सा भी जुड़ा है। फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी और इस फिल्म में राकेश ने मूंछ रखी थी। चश्मे बद्दोर की शूटिंग के दौरान ही राकेश बेदी एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो कि बॉम्बे में शूट हो रही थी और उसके लिए उन्हें हफ्ते में दो दिनों के लिए फ्लाइट से बॉम्बे जाना पड़ता था। उस फिल्म के डायरेक्टर ने राकेश से उनकी मूंछें हटाने को कहा। राकेश के मना करने पर भी वो डायरेक्टर नहीं माना और मजबूरी में राकेश को मूंछें कटवानी ही पड़ी। जब राकेश दिल्ली वापस लौटे तो चश्मे बद्दोर के अपने किरदार के लिए उन्होंने काले कलर से मूंछ बनाकर शूटिंग करने पहुंच गए, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर सई पराजंपे, जो बेहद सख्त मिजाज हुआ करती थी, उन्होंने राकेश की नकली मूंछ पहचान ली। फिर क्या था, राकेश की अच्छी खासी क्लाश लगी और राकेश की मूंछ दोबारा उगने तक फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। दोस्तों, राकेश जी की खास फिल्मों का जब भी जिक्र होगा तो वर्ष 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा का भी नाम लिया जाएगा जिसमें उन्होंने खबरी लाल का किरदार निभाया था। पुलिस के मुखबिर इस किरदार को राकेश ने अपने ही अलग अंदाज में जीवंत कर दिया था। अभिनय के क्षेत्र में आज भी सक्रिय राकेश ने अपने फिल्मी करियर में 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है जिनमें हिंदी के अलावा पंजाबी, गुजराती और मराठी आदि भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। दोस्तों, राकेश जितने सफल फिल्मों में हैं उतने ही कामयाब टीवी पर भी हैं। उन्होंने अपने टीवी करियर में तकरीबन 16 शोज में काम किए हैं। दोस्तों, राकेश का टीवी से जुड़ने का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। वह ये कि जब उन्हें धारावाहिक ये जो है जिंदगी में काम करने का ऑफर मिला तो वे एक महीने तक यही सोचते रहे कि टेलीविजन पर काम करूं या नहीं। कई लोगों ने कहा तुम्हें ये शो करना चाहिए तो कुछ लोगों ने कहा टीवी पर काम मत करो वरना फिल्मों में फिर कोई नहीं पूछेगा। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें कुछ किताबें दी जिनमें अमेरिका में टेलीविजन की लोकप्रियता और हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के टेलीविजन पर काम करने के बारे में लिखा हुआ था। उस किताब को पढ़कर राकेश ने फैसला कर लिया कि वो भी अब टेलीविजन पर काम करेंगे और उन्होंने धारावाहिक ये जो है जिंदगी के ऑफर को स्वीकार कर लिया। दूरदर्शन पर प्रसारित इस धारावाहिक के बाद राकेश बेदी इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग उन्हें जहां देखते उनको घेर लेते और ऑटोग्राफ मांगने लगते। नाटकों से अभिनय की शुरुआत करने वाले राकेश बेदी आज भी नाटकों में सक्रिय हैं। थिएटर से वे कभी दूर नहीं हुए। नाटकों में अभिनय के साथ साथ उन्होंने खुद कई नाटक लिखे हैं और उन्हें निर्देशित भी किया है। उनका लिखित व निर्देशित नाटक मेरा वो मतलब नहीं था का देश विदेश में अब तक 800 से भी ज्यादा बार मंचन हो चुका है। इस नाटक में राकेश बेदी के साथ अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया है। इसके अलावा राकेश द्वारा अभिनीत नाटकों में बीबी और बीबी और शिमला कॉफी हाउस आदि भी बहुत सफल हुए। दोस्तों, इन सब गतिविधियों के बाद भी राकेश बेदी अपने खाली समय में किताबें और नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं राकेश जी की निजी जिंदगी पर। राकेश बेदी की पत्नी का नाम है आराधना बेदी जो कि पुणे की रहने वाली है। राकेश और आराधना जी की मुलाकात पुणे में FTI के दिनों में हुई थी। राकेश और आराधना जी की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रिधिमा बेदी है जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करती हैं और छोटी बेटी रितिका बेदी एक अभिनेत्री हैं। विभिन्न नाटकों के साथ साथ वे अपने पिता राकेश बेदी के साथ भी कई नाटकों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वे कई शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। थिएटर, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आज भी उसी जोश से सक्रिय राकेश बेदी कहते हैं कि जब तक हो सकेगा वे एक्टिंग करते रहेंगे क्योंकि एक्टिंग उनके लिए कोई काम नहीं बल्कि उनका शौक है जिसे वो दिल से पसंद करते हैं। दोस्तों, नारा टीवी भी यही कामना करता है कि राकेश बेदी जी अपने अभिनय से हमेशा हम दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। दोस्तों, राकेश बेदी जी पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।